नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजभान गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा में इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जावा में इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है जावा में, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जावा में इंटरफेस यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। जो जावा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, जबकि C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ठीक, तो जावा में ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये इंटरफेस को यूज किया गया है। इंटरफेस को डिफाइन करना है यदि हमें जावा में, तो कुछ अलग तरीके से डिफाइन नहीं करना है। सिर्फ क्या करना होता है अपन को कि ये इंटरफेस जिस तरह से हम क्लास डिफाइन करते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी क्लास डिफाइन की, क्लास डिक्लेरेशन की, उसमें वेरिएबल्स और मेथड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि इंटरफेस जो है तो कैसे डिक्लेयर होता है। तो जिस तरह से हमने क्लास बताया था, तो क्लास की तरह ही ये इंटरफेस डिक्लेयर होता है। और इंटरफेस डिक्लेरेशन के लिए सिंटैक्स होता है और एग्जाम्पल मैं बताऊँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो इंटरफेस है इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिस तरह से हमें क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करना होता है, उसी तरह से हमें इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है। ठीक, ये एक इंटरफेस कीवर्ड है और ये कीवर्ड का मीन्स जो है ये पहले से ही प्रीडिफाइन किया है जावा में। जावा में इंटरफेस का मतलब ये होता है कि इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इंटरफेस नेम। ये इंटरफेस नेम हो गया, जिस तरह से हम क्लास बनाते हैं और क्लास नेम लिखते हैं उसी तरह से इंटरफेस इंटरफेस नेम। ठीक, और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक ना, और इसके बाद कर लीजिए डॉन। तो ये होता है क्या, इंटरफेस डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या होता है क्लास में और इंटरफेस में अंतर, जिस तरह से हम एक क्लास को मतलब एक सुपर क्लास हो गई और जब दूसरी उसकी सब क्लास बनेगी, चाइल्ड क्लास बनेगी, तो उसे एक्सटेंड करते हैं, तब सुपर क्लास के ये वेरिएबल्स और मेथड मतलब कि एक्सटेंड होते हैं उसमें। और इसमें क्या होता है कि जब हम ये एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में एक्सटेंड करेंगे, मतलब इंटरफेस में यूज करेंगे, तब एक्सटेंड करते हैं। लेकिन जब इंटरफेस को क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि इंटरफेस का एग्जांपल क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरफेस को सुपर इंटरफेस को सब इंटरफेस में कैसे मतलब कि इनहेरिट करते हैं, तो उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। लेकिन जब इसी इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और वेरिएबल्स और मेथड्स उसी तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं जिस तरह से क्लास में डिक्लेयर किए जाते थे। ठीक, और उसी तरह से इसमें भी यूज किए जाते हैं और क्लास में भी यूज किए जाते थे, मतलब सेम चीज होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं क्लास और इंटरफेस में। तो इंटरफेस के लिए हमको सबसे पहले इंटरफेस यूज करना पड़ता है कीवर्ड, और जैसे इंटरफेस नेम हमने यूज किया था। ठीक, तो इंटरफेस नेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्लास हमने बना ली इम्पिटी नाम, ये इम्पिटी नाम की हमने इंटरफेस बना ली, जिस तरह से क्लास हम बना सकते हैं इम्पिटी नाम की, उसी तरह से इंटरफेस बना लिए। ठीक, कर्ली ब्रैकेट ऑन किए और इसके बाद हम इंट ए डी ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कर सकते हैं वेरिएबल। ठीक, और इसके बाद हम इसे मेथड्स भी बना सकते हैं, लेकिन मेथड्स जो बनेंगे उनकी परिभाषा यानी डिफाइन यहाँ पे हम नहीं करेंगे इंटरफेस में, जब उसे क्लास में एक्सटेंड करेंगे तब हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस में बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ये जावा का रूल होता है कि हम
मेथड्स जो बना दिए, जैसे कि हमने बना दिया गेट डाटा मेथड, ठीक, तो यहीं से हम सेमी कॉलम करके टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे हम इस तरह से मेथड्स देते थे और यहाँ पे परिभाषा करते थे, तो ये नहीं कर सकते, ठीक, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक। तो हम इसके लिए ये इंटरफेस हमारा डिक्लेयर हो गया। अब हम अगले ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे, देखते रहिए, कि इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में जिस तरह से क्लास को इनहेरिट करते हैं, उस तरह से इंटरफेस को इनहेरिट कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, कैसे हम उसे इनहेरिट कर सकते हैं, और इंटरफेस को क्लास में कैसे इनहेरिट करते हैं, उसके लिए इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ होता है, तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें सिंटैक्स में और एग्जांपल के साथ, प्रोग्राम के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देखिए जावा के, और आगे भी ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, और टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चले, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।